दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के सैमसंग गैलेक्सी M13 स्मार्टफोन के आफ्टर वन UI 6.0 एंड्रॉयड 14 के फुल अपडेट रिव्यू के बारे में, जो कि मैं इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि सैमसंग ने इस स्मार्टफोन के अंदर आफ्टर एंड्रॉयड 14 वन UI 6.0 के बाद में इसके अंदर क्या क्या नए नए फीचर को ऐड किए हैं, क्या क्या चेंजेस किए हैं, कैसा लुक हमें देखने को मिल जाते हैं, पूरा मैं आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। पूरा इस वीडियो में हम करने वाले हैं फुल रिव्यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसकी अपडेट की फाइल की बात करते हैं सैमसंग के M13 स्मार्टफोन के, तो इसकी अपडेट की फाइल है 1.6 GB की और इसके अंदर आपको जो है नवंबर का जो है सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो में करते हैं पूरा फुल रिव्यू, आपको एक एक फीचर दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो है क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में करते हैं इस स्मार्टफोन का फुल रिव्यू। पूरा मैं आपको डिटेल में इसका जो है एक एक फीचर में आपको इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसके नोटिफिकेशन पैनल के चेंजेस के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर सैमसंग ने काफ़ी बेहतरीन जो है हमें नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पर लुक देखने को मिल जाते हैं। इसके अलग अलग जो है स्लॉट बन गए हैं इस स्मार्टफोन के अंदर और जो है नोटिफिकेशन काफ़ी पहले से कूल देखने को मिल रहा है और इसके जो है बैकग्राउंड ब्लर का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, जो कि नोटिफिकेशन पैनल अगर यहाँ पे स्लाइड करते हैं तो हमें देखने को मिल जाता है। अगर इसके अलावा अगर हम चेंजेस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन है अगर नोटिफिकेशन पैनल स्लाइड किए हैं तो। इसके यहाँ पे दो स्लॉट बन गए हैं, एक टॉप और एक फुल का। यहाँ पे एक टॉप वाला जो है यहाँ पे इसको अलग से एडिट कर सकते हैं आप इसको। इसके अलावा जो है आप इस स्मार्टफोन के अंदर जो है ये फुल वाला जो है इसको अलग से जो है यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे इसके अंदर जो है बटन्स भी ऐड किए हैं सैमसंग ने, तो आप यहाँ पे चेक कर लेना अपने स्मार्टफोन के अंदर। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल के अंदर एक नया हमें जो है फीचर जो है देखने को मिल जाते हैं, क्विक सेटिंग इंस्टेंट एक्सेस का। तो इस पर अगर क्लिक करेंगे, इस फीचर को आप यहाँ पर ऑन कर देंगे, तो ये जो फीचर दिया गया है, अगर यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल को अगर यहाँ पर राइट साइड से स्लाइड करेंगे तो पूरा आपका नोटिफिकेशन जो है ओपन होकर आएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड से यहाँ पे स्लाइड करेंगे तो सिर्फ ऊपर वाला टॉप वाला यहाँ पे ओपन होकर आएगा, जो कि काफ़ी एक बेहतरीन फीचर हमें देखने को लगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नए चेंजेस के बारे में, तो सैमसंग ने अपने फोल्डर के अंदर जो है रीडिजाइन किया है। जैसे अगर हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं तो इसके कॉर्नर्स काफ़ी पहले से ज़्यादा राउंड कर दिए गए हैं। पहले थोड़ा सा ही राउंड हमें जो है इस कॉर्नर जो है देखने को मिलता था, अब ये जो है ज़्यादा राउंड हमें देखने को मिल जाते हैं। और फाइल्स के अंदर भी जो हमें जो है चेंजेस देखने को मिल गए हैं। अगर यहाँ पे फाइल्स के अंदर आते हैं तो इसका जो है फोल्डर और आइकन्स और फाइल्स सब कुछ यहाँ पे जो है मैं थोड़ा थोड़ा चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो है वेट्स के बारे में, तो सैमसंग ने एक वेट्स के अंदर एक नया हमें सेक्शन ऐड किया है कैमरे का। अगर यहाँ पे होम पे फ्रेश करके रखे रहेंगे, अगर यहाँ पे वेट्स वाले सेक्शन के अंदर आएंगे इस स्मार्टफोन के अंदर, तो पहले से आपको इस One UI 6.0 के अंदर ये रिकमेंड करेगा ये वाला फीचर, कस्टम कैमरा का ऑप्शन। अगर इस पर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसके अंदर जो है कुछ सेटिंग्स और फीचर यहाँ पे ओपन होकर आएंगे। जो यहाँ पे टाइटल और वेट है ये तो कस्टम कैमरा का, इसका नाम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्टार्टिंग मोड के अंदर है, मतलब किस मोड में अपने इस कैमरे को स्टार्ट कर सकते हैं अपने डायरेक्टली अपने होम स्क्रीन से, तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, फन है, प्रो है, जो भी आपके कैमरे के अंदर सेटिंग दिया गया है यहाँ पे सेट पहले से यहाँ पे सेट कर देंगे, तो आपका वो कैमरा डायरेक्टली इस मोड में ओपन होगा। जैसे मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट में रियर कैमरे को यहाँ पर सेट करता हूँ और यहाँ पर जो है यहाँ पर हम सेव कर देते हैं, यहाँ से बैक आते हैं और इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरे होम स्क्रीन पे ये जो है सेट हो चुका है। अगर हम इस पर जो है क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली मेरे जो है पोर्ट्रेट मोड में जो है रियर कैमरा यहाँ पे ऑन हो गया है, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वेदर के अंदर जो है सैमसंग ने कुछ चेंजेस किए हैं, जो कि पहले ऐसा हमें जो है वेदर का जो है चेंजेस हमें जो है देखने को नहीं मिला था। ये कुछ जो है आपको वेदर के हिसाब से यहाँ पर आपका कुछ भी यहाँ पर बन के आएगा और यहाँ पर बादल वगैरह सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। और इसके अंदर भी जो है सैमसंग ने वेदर के अंदर जो है यहाँ पर चेंजेस किया है, जो कि आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चेंजेस के बारे में, तो सैमसंग ने आप जो भी डिवाइस यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो कैमरे के अंदर सैमसंग ने यहाँ पे चेंजेस किया है। अगर रियर कैमरा आपका जो भी मेगापिक्सल है आपके स्मार्टफोन के अंदर, तो यहाँ पे यहीं से उसको यहाँ पे मेगापिक्सल को चेंज कर सकते हैं। यह पहले जो है स्लॉट था, ये पहले एक ही में स्लॉट दिया गया था। अगर फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा भी जो है आपने करके उसको जो है कैमरे को चेंज कर सकते हैं। अगर इसमें अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं अपने डिवाइस के अंदर, तो ये पहले आपका जो है
इस वीडियो रिकॉर्डिंग वाला जो बटन है इसका जो है रीडिजाइन किया है सैमसंग ने इस वन यू आई 6.0 के अंदर, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। पहले से यहाँ पे चेंज देखने को मिल जा रहा है। तो इसके अलावा अगर हम चेंजेस के बारे में बात करते हैं तो सैमसंग ने कुछ सेटिंग के अंदर जो है चेंजेस किया है। अगर हम यहाँ पे सेटिंग के अंदर आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग के अंदर हम यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा बैक करके, तो यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं सेटिंग के अंदर। तो अगर हम कनेक्शन वाले ऑप्शन के अंदर आते हैं, जैसे मैं कनेक्शन वाले जो है ऑप्शन के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे अगर हम मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन में आएंगे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे एक नया हमें फीचर देखने को मिल जाएगा VoNR का, यानी वॉइस ओवर 5G। यानी अगर आपका नेटवर्क 4G पे शिफ्ट है, कॉल आता है, तो आपका जो है नेटवर्क जो है 5G पे ही रहेगा। जैसे हम यहाँ पे 5G पे हम इसको जो है सिलेक्ट करके रखेंगे, जैसे यहाँ पर इसको आपको ऑन करके रखना है, तो अगर ऑन करके रखेंगे अगर कॉल आएगा तो आपका नेटवर्क, अगर आपके एरिया में 5G नेटवर्क है तो आपको 5G पे ही रहेगा, आपका 4G नेटवर्क जो है शिफ्ट नहीं होगा अपने आप। तो ये फीचर काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। इसको बैक करते हैं और जो है नेक्स्ट फीचर की अगर बारे में बात करते हैं, तो सैमसंग ने यहाँ पे मोड्स एंड रूटीन्स के अंदर जो है कुछ चेंजेस किया है। स्लिप वाले ऑप्शन को नया जो है सैमसंग ने ऐड किया है। आपको यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पे डार्क मोड को यहाँ पे हटा लेता हूँ, जो है यहाँ पे डार्क मोड को हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मोड्स एंड रूटीन्स का जो है नया फीचर देखने को मिल जाते हैं। स्लीप वाले में आएंगे तो यहाँ पर जो है एक नया फीचर आई थिंक हमें देखने को मिला है। आप हमें बताइएगा आपको ये जो है पहले से था या फिर इस वन ई वाई 6.0 के अंदर जो है हमें चेंजेस देखने को मिला है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बैक आते हैं और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट फीचर की अगर बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट फीचर जो है बैटरी के अंदर जो है अगर हम आते हैं, तो यहाँ पर बैटरी का जो है ग्राफ हमें जो है अलग ही डिजाइन में हमें देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी का जो है ग्राफ अलग ही यहाँ पे डिजाइन में बन के आ रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले से इसका जो है चेंजेस कर दिया है सैमसंग ने इस बैटरी वाले सेक्शन के अंदर। इसके अलावा अगर हम लॉक स्क्रीन के अंदर आते हैं, तो लॉक स्क्रीन में भी यहाँ पे जो है हमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। अगर लॉक स्क्रीन पे यहाँ पे अगर इस पर क्लिक करेंगे, इसको एडिट करेंगे, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अगर यहाँ पे इस टाइम पे क्लिक करूँगा तो अपने इस टाइम को यहाँ से कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी मूव करके यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके ये जो है इसका साइज भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है फ़ॉन्ट भी जो दिए गए हैं अपने हिसाब से इस फ़ॉन्ट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा क्लॉक भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे एक ऑटो का ऑप्शन है, जो कि अपने यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करेंगे तो ये कलर है जो अगर आपका वॉलपेपर है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ये कलर सेट हो जाएगा। अगर अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने हिसाब से इसमें कोई सा भी कलर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपने टाइम का कलर जो है सेट कर सकते हैं और इसको कहीं पे भी एडजस्ट करके यहाँ पे डन करके इसे सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपने फ़ोन को लॉक करूँगा तो देखिएगा यहाँ पे सेट हो चुका है यहाँ पर। तो ये फीचर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में, तो नेक्स्ट फीचर जो सैमसंग ने इस स्मार्टफोन के अंदर जो ऐड किया है अपने होम स्क्रीन पे, जैसे अपने कोई सा भी ऐप्स को अपने सेकेंड या फिर थर्ड कहीं किसी भी पेज पे ले जाना है, जैसे मान लीजिए ये वाला जो है ऐप्स है, तो इसको यहाँ पे करके अपने दूसरे फिंगर से अपने यहाँ पे कहीं पे भी इसको लाकर यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इस पर सिलेक्ट करेंगे इस वाले ऐप से, मतलब जितने सारे आपके होम स्क्रीन पे ऐप्स हैं और यहाँ से एक पे क्लिक करके रखे रहेंगे तो तीनों यहाँ पे एक में आएगा और कहीं पे भी यहाँ पे लाकर इसको जो है छोड़ सकते हैं। तो ये फीचर इस वन ई वाई 6.0 के अंदर हमें जो है देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो है अगर हम नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट फीचर जो दिया गया है सैमसंग ने अपने गैलरी के अंदर दिया गया है। तो अगर हम गैलरी वाले ऑप्शन में आते हैं, जैसे यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो जैसे आपको कोई सा भी फ़ोटो चूज कर लेना है, जैसे अगर यहाँ पे फ़ोटो हम कोई सा भी मान लीजिए कोई सा भी आप फोटो यहाँ पे फ़ोटो लेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक थंबनेल है यूट्यूब का मैं जो बनाया हूँ, अगर हम इस पर अगर हम यहाँ पर क्लिक करके रखे रहेंगे थोड़ा देर लॉन्ग प्रेस करके, तो ये अलग से आपका जो है ये PNG में आपका कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसको इस पर क्लिक करके अपने हिसाब से इसको अपने स्टिकर में भी सेव कर सकते हैं, अपने सेव हैज़ इमेज भी सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेव हैज़ इमेज में यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे देख सकते हैं सेव हो चुका है मेरे गैलरी के अंदर। तो इसको अलग से अपने वाया PNG आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं ये अलग से जो है सेव हो चुका है। तो ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा फीचर लगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट फीचर जो दिया गया है अपने सैमसंग ने कीबोर्ड के अंदर जो है
चेंजेस किया है। अगर जैसे हम नोट्स में आते हैं और यहाँ पर हम अगर इस पर क्लिक करते हैं कुछ यहाँ पे टाइप करने के लिए, तो यहाँ पर अगर देखेंगे अगर इमोजी पे अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सैमसंग ने इस इमोजी के अंदर जो है नया जो है चेंजेस किए हैं। जो भी पहले हमें जो है इमोजी देखने को मिलते थे, ये सैमसंग ने यहाँ पर जो है रीडिज़ाइन किया है। जो भी इमोजी है अपने कीबोर्ड के अंदर जो है रीडिज़ाइन कर दिया है सैमसंग ने, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर। तो ये कुछ सैमसंग ने माइनर से चेंजेस किए हैं। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। तो फुल इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। मेरे चैनल पे आपको ऐसे ही जो है वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।